हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तेदिक शुरा है। इस वीडियो के अंदर अपन इंटरनल सिक्योरिटी की लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हाउ टू गेट द पीपल हु गेट इनटू नक्सलिज्म, हु बिकम नक्सलाइट, हाउ कैन वी गेट देम इनटू बैक इनटू द मेन स्ट्रीम एंड हाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके ऊपर जो 5-6 क्वेश्चंस देना है, 5 क्वेश्चंस आए मेरे ख्याल से नक्सलिज्म के ऊपर डायरेक्टली। उन 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के ऊपर ही थे, ठीक है। तो अभी तक का अपना जितना भी पार्ट था उसके अंदर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है। तो स्ट्रैटेजी वाले पार्ट के अंदर देखेंगे गवर्नमेंट का क्या काम है, उसके अलावा मतलब गवर्नमेंट और क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कर सकता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेज क्या कर सकती है, जुडिशरी क्या कर सकती है, ठीक है। इन सारे आस्पेक्ट्स को देखेंगे एंड फाइनली अपना जो है नक्सलिज्म यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ तो कि हाउ टू गेट पीपल बैक इन टू मेन स्ट्रीम। है ना, ये चीज आखिर कैसे करें। तो देखो, इसके लिए सबसे पहली बात तो जो अपन ने देखा है कि ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है उनकी सरेंडर कम रिहैब पॉलिसीज चल रही है। तो सबसे पहली बात तो यही है, सरेंडर कम रिहैब पॉलिसीज। इस सरेंडर कम रिहैब पॉलिसीज के अंदर जो है साथ में इनके काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे कि अलग अलग चीज़ें कौन कौन सी आती है, जैसे कि एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ये यह है कि अगर आप आर्म्स वगैरह अगर सरेंडर करते हो, ठीक है, आर्म्स वगैरह अगर सरेंडर करते हो तो आपको आर्म्स वगैरह से रिलेटेड जो है अलग जो भी कंपनसेशन वगैरह है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनसेशन भी आपको दिया जाएगा। आप क्या सरेंडर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। इसका एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, उसके ऊपर भी अपन आएंगे, है ना, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि अगर जो है आप आते हो तो आपको 2000 स्टिपेंड दिया जाएगा पर मंथ, है ना, ठीक है, पर मंथ। इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा आपकी लाइकिंग का जो भी वोकेशन है या फिर ट्रेड है उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर आप आ गए तो वैसे नहीं कि भैया मैं क्या काम धाम करूँ, ठीक है। तो आपको काम धाम करने का जो भी आप चूज़ करो, या तो जो आप चूज़ करो जो आपकी लाइकिंग है उसके अकॉर्डिंग, देखो ये सब कुछ MHA का डेटा है डायरेक्टली, ठीक है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को कोट भी कर सकते हो। फिर इसके अलावा जो है लाइकिंग, लाइकिंग के अलावा एक चीज़ ये भी है कि आपका जो क्या कहते हैं, अगर लाइकिंग नहीं हुई तो आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देख देंगे कि भाई जैसे मान लो कि आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये करूँ कि वो करूँ, तो आपको जो भी एप्टीट्यूड वगैरह के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे वो, है ना, वोकेशनल या ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा जो है यहाँ पर हाँ 1.5 लाख का ग्रांट दिया जाएगा आपको वापस आने के लिए। सिंपल सा ग्रांट दिया जाएगा, बट ये ग्रांट जो है आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा, लेकिन इस ग्रांट को आप 3 ईयर्स तक विड्रॉ नहीं कर सकते हो, है ना। ऑल्दो आप इसको कोलैटरल की तरह ज़रूर यूज़ कर सकते हो, जैसे कोलैटरल की तरह अगर आपको कोई लोन वगैरह लेना है तो उसके ऊपर आप इसके ऊपर आप जो है उसको कोलैटरल वगैरह की तरह इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म अगर देखें अपन, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा अगर उसका क्रिटिसिज्म अपन देखें, तो सबसे पहली बात तो MHA खुद खुद MHA और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर ही बोल रहा है कि भाई यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जो ये सरेंडर कम रिहैब पॉलिसी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा है नक्सलाइट के केस में, है ना। तो जो नक्सल एरियाज हैं और नक्सलाइट्स वगैरह के केस में बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं हो रहा, ऐसा काम नहीं हो रहा जैसा काम हमको जो है, जैसा रिस्पॉन्स, जैसा जो है पॉजिटिव जो भी अपन को रिजल्ट हमको मिला है, कहाँ पर, J&K एंड नॉर्थ ईस्ट के केस में, है ना, वहाँ पर ये सरेंडर कम रिहैब पॉलिसी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करी है। मतलब वहाँ की जो भी सरेंडर कम रिहैब पॉलिसीज़ है वो तो अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आर्म्स और कंपनसेशन की अगर अपन बात करें, देखो अब इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके देखते हैं, अगर आर्म्स और कंपनसेशन की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दे रखा है कि जैसे अगर आप AK-47 वगैरह अगर देते हो, ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ये देते हो वो देते हो जो भी चीज़ें हैं, तो अगर आप AK-47 वगैरह सबमिट करते हो तो वहाँ पर शायद 2000 है या 10000 है, ठीक है, 10000 है, 10000 है। AK-47 के केस में 10000 है। अगर कोई पिस्टल वगैरह आप देते हो तो पिस्टल के केस में 3000 है, ठीक है। अगर आप कोई ग्रेनेड वगैरह,
हैंड ग्रेनेड वगैरह अगर आप देते हो तो उसके केस में 500 रुपये। अब ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम एक बार इस चीज़ को सोच के देखो, 10,000 की AK-47 है ना, 3,000 की पिस्टल, इसी चीज़ को अगर ये मार्केट के अंदर बेचने जाए तो ये AK-47 कितने, क्योंकि कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की, कम से कम मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ। पिस्टल पिस्टल 90,000, 80,000, 90,000, 1 लाख 1.25 लाख तक चली जाएगी पिस्टल पिस्टल, ठीक है। अरे यार हैंड ग्रेनेड किस चीज़ को बोलते हैं समझना, हैंड ग्रेनेड क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर अगर 500 रुपये कंपनसेशन दिया जाए तो इडियोटिक बात नहीं है, मतलब लुक्रेटिव नहीं है ना ये चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है, इनसाइट नहीं करेगी उनको, समझना। इसके अलावा 2,000 का स्टिपेंड, ये भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2,000 का स्टिपेंड प्लस इस 2,000 के स्टिपेंड के साथ में ये भी चीज़ है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, अगर कोई ढंग की जॉब भी मिल जाती है, तो उस ढंग की जॉब के बाद में आपका जो है ये 2,000 का स्टिपेंड बंद कर देंगे, और जो स्टिपेंड दिया भी जाएगा ये 36 मंथ्स तक दिया जाएगा, मतलब 3 महीने तक दिया जाएगा। तो इसका भी कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलता है। वोकेशन ट्रेड ट्रेनिंग दिस इज़ नाइस, ठीक है। इसके अलावा 1.5 लाख का जो ग्रांट है, इस ग्रांट के अंदर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि विड्रॉ वगैरह नहीं किया जा सकता, ऑल्दो ये बात सही भी है, यूजफुलनेस भी है। अगर जैसे मान लो कि भाई आप विड्रॉल वगैरह की परमिशन दे देते हो, तो इनको 1.5 लाख रुपये दे दिए इनको, ठीक है, थोड़ी बहुत इन्होंने 6 महीने 7 महीने बढ़िया जो भी है टाइम पास करा, फिर उसके बाद ये तो वापस नक्सलिज्म करने लग गए। अब इनके पास 1.5 लाख रुपये भी है और उसके अलावा जो है नक्सलिज्म भी है, तो आप तो हर एंड से लॉस में हो, समझ में आया। तो ये तो चलो ठीक है, सही बात है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, ये मैंने आपको बताया कंपनसेशन वगैरह, और कुछ एक पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि भाई दे विल बी मच अट्रैक्टेड, समझ में आया। तो सरेंडर कम रिहैप पॉलिसी है, इम्पार्ट ट्रेनिंग ट्रेड वोकेशन वगैरह वंस चॉइस वगैरह, 2,000 स्टिपेंड वगैरह मैंने आपको बता दिया, 1.5 लाख यहाँ पे हो गया। एडिशनल इंसेंटिव्स आर्म्स वगैरह सरेंडर के ऊपर ये अपन ने देख लिया, बट एमएचए खुद इस बात को बोल रहा है कि जेएनके और नॉर्थ ईस्ट के केस में जितना सक्सेस देखने को मिला, उतना सक्सेस जो है वो नक्सलाइट्स के केस में नहीं देखने को मिला है। स्ट्रैटेजी टू टैकल, तो क्या और करना चाहिए गवर्नमेंट को या फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें, या फिर जो अपनी फोर्सेस वगैरह हैं उन्हें। तो गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट जो है सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टिल, ठीक है, तो इंफ्रा के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेकेंड, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के अंदर अभी भी अपन बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जैसे कंपेयर करें कि जो बाकी जो डेवलप्ड नेशन है उनकी जो पुलिस वगैरह है, पुलिस फोर्सेज हैं, उनके मुकाबले अपन बहुत ज़्यादा अभी भी पीछे हैं। इसके अलावा जो सेंटर स्टेट कोऑपरेशन है, तो कई बार पॉलिटिक्स वगैरह के चक्कर में अपन जो है एक लार्जर गेम हार जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर स्टेट कोऑपरेशन की, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के अलावा यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है। इन साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर अगर वो अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं तो अपन को भी एटलीस्ट बताना तो चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई अपन अपना व्यू रखते नहीं हैं, ठीक है, और लोगों को लगता है कि भाई अपन बेवकूफ़ हैं। तो इस चीज़ को जो है अगर अपन ख़त्म करें तो वहाँ पर जो है अपन को बेनिफिट वगैरह मिलेगा। वो अपना जो भी प्रोपोगंडा वगैरह चलाते रह रहे हैं, अपनी सिंपैथी वगैरह गेन करते रह रहे हैं, और अपन यहाँ पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मॉडर्नाइजिंग एजेंसीज वगैरह मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के केस यहाँ पर ये है कि भाई रिच वर्सेज पुअर का डिवाइड है तो है ही है, सही बात है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, है ना। रिच वर्सेस पुअर का जो डिवाइड है, अगर इसे कम करेंगे तो फिर उन्हें ऐसा लगेगा, देखो भाई इशू क्या है, जैसे कोविड के अंदर भी ये चीज़ अपन को देखने को मिली थी कि, या फिर जैसे अब ऐसा नहीं है कि भाई पुअर पीपल आर नॉट गेटिंग रिच, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई आज आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, कल आप जो है अमीर हो गए और आपके पास जो है 120 रुपये आ गए, 150 रुपये आ गए, 200 रुपये आ गए, 120, 150 भी छोड़ो, मैं तो आपको कह रहा हूँ 200 रुपये आ गए, है ना, तो आप दुगना अमीर हो गए। लेकिन यहीं पे कोई और दूसरा जो पर्सन था उसके पास लेट से कि भाई पहले 500 रुपये थे तो वो पहले आपसे ऊपर था, अब उसके पास कितने रुपए आएंगे, तो अब उसके पास मान लो अगर इसके पास भी डबल रुपए आ जाते हैं, या फिर मान लो इसके पास डबल से भी ज़्यादा आ जाते हैं, मान लो इसके पास 1,200 आ गए, 500 के डबल वैसे 1,000 होते हैं, 1,200 आ गए, तो 200 में और जो है पहले 100 में और 500 में कितने का डिफरेंस था, 4 यूनिट का था, अब कितने का है, 200 में और 1,200 के अंदर 10 यूनिट का डिफरेंस है, समझ में आया। दिस इज द डिफरेंस,
ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस बढ़ जाता है, ऐसे डिस्पैरिटी बढ़ जाती है, समझना। तो दिस इज द इशू। फिर इसके अलावा बेटर सरेंडर पॉलिसी की जरूरत है, बिल्कुल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बेटर सरेंडर पॉलिसी, है ना। सरेंडर पॉलिसी इतनी ज्यादा वीक है, आप इस चीज़ को देखो, बहुत ज्यादा ये कोई मतलब मजा नहीं आ रहा है इस चीज़ को पढ़ने में, समझ में आप। फिर इसके अलावा और क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के केस के अंदर क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के केस के अंदर सबसे पहले तो गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, गवर्नेंस बहुत ज़्यादा पुअर है, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। गुड गवर्नेंस के साथ में ऐसे मैकेनिज्म वगैरह अपन को डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि करप्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चेक में रह सके। तो इंटरनल मैकेनिज्म्स, ठीक है, डेवलपिंग इंटरनल मैकेनिज्म्स सो डैट करप्शन इज केप्ट इन चेक, समझ में आप। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा जो है अपन को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, उन्हें थोड़ा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि भाई ठीक है, दीज आर द इशूज़, और आप जिस बैकग्राउंड से आए, ज़रूरी नहीं कि भाई उस बैकग्राउंड में ये सारे इशूज़ रहते हों, लेकिन यहाँ पर तो हैं, और अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको उन्हें उन्हीं जो है सूक्ष्मता के साथ उन्हें जो है टैकल करना होगा। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, डायलॉग की ज़रूरत है, जो भी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी काफ़ी सारे वहाँ पर जो नक्सलाइट्स वगैरह हैं उनके साथ अगर बैठ के डायलॉग करेंगे कि भाई तुमको चाहिए क्या, बीमारी क्या है, समझ में आया, तब जाकर जो है सिस्टम बैठेगा। सेंसिटाइज वगैरह मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के ऊपर अगर ये और ज़्यादा फोकस करें, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बैंकिंग वगैरह हैं, ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो अपन को जो है वापस कुछ फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर अपन बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या काम कर सकती है, एक तो जो अनमैंड एरियल व्हीकल्स होते हैं यानी कि ड्रोन्स होते हैं, एक तो ड्रोन्स का बेटर डिप्लॉयमेंट वगैरह हो सकता है। ड्रोन्स के बेटर डिप्लॉयमेंट के अलावा सैटेलाइट इमेजिंग, इस चीज़ को बेटर यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग के अलावा जो है और जो है, ठीक है, सिविक एक्शन प्लान वगैरह तो ऑलरेडी ये कर ही रहे हैं, है ना। इसके अंदर और क्या चीज़ थी बताओ, एक और पॉइंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सैटेलाइट इमेजिंग हो गया, ह्यूमनाइज तो ठीक है, अच्छा स्ट्रिक्ट इंटरनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इसके अंदर है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिस यूज़ ऑफ पावर ना हो, ठीक है, स्ट्रिक्ट इंटरनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ताकि मिस यूज़ ऑफ पावर ना हो। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस वगैरह देखने को मिले हैं जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाती है जिसके अंदर उन्हें बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं होना चाहिए, समझ में। जुडिशरी, जुडिशरी की अगर अपन बात करें तो अगेन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अपन को ज़रूरत है ताकि बेटर जो है क्विक टाइम में डिस्पोजल हो सके केसेस का, पेंडेंसीज का। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अलावा अपन को जो है रूरल और अगर ट्राइबल ना हो तो एटलीस्ट रूरल पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा लॉज को मॉडिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिजनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी अपन जो है आईपीसी वगैरह जो है ब्रिटिशर्स के टाइम का उसको उसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे मॉडिफाई करने की, उसे इंडिजनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राम न्यायालय, ये वही है, रूरल कोर्ट्स है, और डिजिटलाइजेशन की भी ज़रूरत है, समझना। तो दीज आर द पॉइंट्स, बस यही है इसके अंदर, ठीक है। ये पार्ट था स्ट्रैटेजी टू टैकल, इस पार्ट को जो है बिल्कुल भी अपन को छोड़ना नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वेजेस वगैरह चाहिए वाला पार्ट मैंने आपको नहीं बताया, एम्प्लॉयमेंट वेजेस वगैरह, उसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वगैरह अपन ने देख लिया। मॉडर्नाइजिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजेंसीज वगैरह ऑलरेडी वैसे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अपन को और ज़्यादा इसके अंदर काम वगैरह करना चाहिए, समझना, ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, बेटर सरेंडर पॉलिसी, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सारे के सारे अपन ने पॉइंट्स देख लिए। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके केस में ये सारे के सारे पॉइंट्स देख लिए, जुडिशरी के केस में ये सारे पॉइंट्स देख लिए। देखो इतने वैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आए नहीं हैं, एक बार कुछ एक क्वेश्चंस को भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं क्या नहीं है, रिवाइज तो क्या करेंगे। तो नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू, इसको अपन डील कर चुके हैं, ठीक है। नक्सलिज्म इज अ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज अ वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशूज जस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी। तो ये थी स्ट्रैटेजी अभी अपन ने जो देख ली, टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। 2020 के अंदर व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्या है उसे भी अपन ने अभी लास्ट वीडियोज के अंदर कवर कर लिया।
स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी स्ट्रैटेजी जस्ट अपन ने देखी गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट की, उसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस की, इनको तो देखा ही देखा, प्लस जुडिशरी को भी देख लिया। टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी मेनी पार्ट्स। तो सबसे पहले डाउनवर्ड ट्रेंड अपन ने समझ लिया कि यहाँ पर जो है लास्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने देखा कि 77% डिक्रीज है 2009 से लेकर के 21 के अंदर, ये वो चीज़ वगैरह वगैरह। स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो कौन कौन से अभी कौन कौन से पार्ट्स है, तो रेड कॉरिडोर वगैरह का पूरा अपन ने देख लिया। ब्रीफली एक्सप्लेन द गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या अप्रोच चल रही है उस चीज़ को अपन ने देख लिया। तो यहाँ पे अलग अलग जितने भी मैकेनिज्म्स वगैरह थे है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए कर रहे हैं, जो नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, उसके अलावा जो वो टावर वगैरह लगा रहे हैं, उसके अलावा जो है फोर्टिफाइड वगैरह कर रहे हैं जो पुलिस स्टेशन वगैरह को है ना, उसके अलावा जो है स्किल ट्रेनिंग वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसके अलावा द परसिस्टिंग ड्राइव्स ऑफ द गवर्नमेंट डेवलपमेंट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज हैव रिजल्टेड इन आइसोलेटिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड फार्मर्स हु फेस मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स। तो मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स और ये वाला केस अपन देख चुके हैं कि वहाँ पर जो है फैक्ट्रीज वगैरह लगती है, माइनिंग वगैरह जो इशूज़ आते हैं उसकी वजह से इनकी लैंड वगैरह चली जाती है, प्रॉपर इनको क्या चीज़ नहीं मिलती, कंपनसेशन नहीं मिलता है, और इसके साथ में जो रिहैबिलिटेशन है वो भी प्रॉपर नहीं होता है ना, विथ मलकानगिरी और उसके साथ में जो अदर इशूज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ और वगैरह की वजह से जो अदर इश्यूज हैं, डेवलपमेंट वगैरह की वजह से, जैसे जो एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, उन सबको देख लिया अपन ने। विद मलकानगिरी एंड नक्सलबारी फोकाए, डिस्कस द करेक्टिव स्ट्रैटेजीज नीडेड टू विन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डॉक्ट्राइन अफेक्टेड सिटीजन्स बैक इन टू मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेन स्ट्रीम के अंदर कैसे लाएं, उस चीज़ को अपन देख चुके हैं, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ को अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ये मलकानगिरी और नक्सलबारी फोकाए, इस तरीके का क्वेश्चन एक बार ही आया तो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर जो है ये एरियाज हैं मलकानगिरी नक्सलबारी, मलकानगिरी छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है, नक्सलबारी वहाँ पर दार्जिलिंग में है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, आर्टिकल 244 को अपन डिस्कस कर चुके हैं है ना, जिसके अंदर जो है आर्टिकल 244 के अंदर अपन ने दो क्लॉजेज देखे थे, क्लॉज 75 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या चीज़ है, तो सिक्स शेड्यूल है, क्लॉज 75 में क्या है, फिफ्थ शेड्यूल है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल। तो क्या इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट अपन देख चुके हैं फिफ्थ शेड्यूल ऑन द ग्रोथ ऑफ